नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर्स है और एक्सपेक्टेशन जैसा रिजल्ट नहीं बना पा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। आज का वीडियो में मैं बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा जो ऑप्शन बायर्स को एंट्री कहां पर लेना है और एग्जिट कहां पर करना है। ठीक है, हम लोग मार्केट में एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखे जाता है। और कभी कभार ये उल्टा भी होता है, जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग एंट्री का साथ साथ सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। अभी जैसे निफ्टी का 22,200 का पुट का चार्ट आपका सामने लगाया हुआ है, ये आज का मार्केट ओपनिंग कैंडल है। देखिए कैंडल थोड़ा सा आपको डॉजी टाइप का दिख रहा है, एग्जैक्टली डॉजी नहीं है बट उस टाइप का दिख रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर तीन चीज होता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो नीचे का रिबन का कलर देखना है। नीचे का रिबन का कलर क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे का रिबन का कलर अगर ग्रीन है इसका मतलब है परसेंटेज वाइज आप बोल सकते हैं जो मार्केट में ट्रेडर जो है बाइंग के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। नीचे में ये ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है ये आपको स्कैल्पिंग करने के लिए ज्यादा हेल्प करता है। इसका कलर अगर ग्रीन होता है और ये व्हाइट का ऊपर रहेगा तो ये बाइंग के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। अभी जैसा दिखाई दे रहा है ग्रीन कैंडल है, मतलब अगले दिन से कोई बाय का कॉल चल रहा है। अब वो टाइम क्या होता है, अगले दिन का कॉल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड केस में अगर अगले दिन का बाय का कॉल आज को कैरी फॉरवर्ड होता है तो फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ने का बाद तभी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं अदर शॉर्ट। तो आप यहाँ पर वेट करेंगे जो फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ेगा तो मैं बाय करूंगा, बट अल्टीमेट देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर मार्केट गया है नहीं, धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है। और अभी ये जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है ये व्हाइट लाइन का नीचे आ गया। ब्रिक्स अगर व्हाइट लाइन का नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है ये आपको संकेत दे रहा है जो ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे सेलिंग की तरफ जा रहा है। बट नीचे का जो रिबन है वो अभी भी ग्रीन में बना हुआ है, मतलब परसेंटेज वाइज अभी भी मार्केट में बायर स्ट्रांग है। तो ऐसा सिचुएशन में ना ही आप बाय कर सकते हैं ना ही आप सेल कर सकते हैं। थोड़ा देर वेट करने का बाद आपको यहां पर कोई सेलिंग का कॉल दिखाई दे रहा है, एक फ्रेश सेल का कॉल है। अभी जो सेल का कॉल है, क्वेश्चन ये है जो क्या ये सेल का कॉल सही है। अगर ये सेल का कॉल सही होता है तो आप लोग कॉल बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट गिरने से, यहाँ पर पुट का चार्ट मैं लगा रहा हूँ, पुट का चार्ट गिरने से कॉल में बाय करना है। तो सबसे पहले देखिए जो क्या ये सेल का कॉल सही है। अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है नीचे का जो रिबन है वो रेडी है। सिग्नल का पहले हमेशा एक स्टार बनता है तो ये एक फ्रेश कॉल है, इसका पहले कोई रेड स्टार बना नहीं है। और ब्रिक्स वाला इंडिकेटर तो आपको सुबह से आपका फेवर में है, तो तीन में से एक कंडीशन मैच में है, बाकी दो कंडीशन मैच नहीं हुआ। तो यहां पर अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो यहां पर भी मेरा पोजीशन फंस सकता है। थोड़ा देर बाद मुझे दिखाई दिया जो नीचे का जो रिबन है धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो गया, बट अभी भी यहां पर स्टार नहीं बना है। तो ये तीन कंडीशन होता है एक्चुअली हम लोग का सॉफ्टवेयर में, एक होता है नीचे का रिबन, एक होता है स्टार और एक होता है ब्रिक्स। अगर ये तीनों चीज एक साथ मैच होता है तभी जाकर हम लोग ट्रेड लेंगे अदर इज नॉट। जैसे अगर देखा जाए ये आज सुबह का परफॉर्मेंस, मार्केट धीरे धीरे इतने नीचे आया, बाद में यहां पर स्टार आया था बट ये कॉल में उतना स्ट्रेंथ आपका नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूं जो कॉल एक्चुअली कैसे फाइंड आउट होता है। अभी देखिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है, नीचे का जो रिबन रेड हुआ था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, सिग्नल का साथ स्टार बना है और ये जो ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है ये व्हाइट का ऊपर मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। तो जब भी कोई कॉल बनेगा ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। याद रखिएगा ऑप्शन बाइंग जितना प्रॉफिटेबल है उससे काफी गुना ज्यादा रिस्क भी है। यहां पर अगर आपका टाइम निकल जाएगा प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है आपको ऐसा जगह पे सिचुएशन पे एंट्री लेना चाहिए जहां पर आपको ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है, 15-20 मिनट का अंदर आप कुछ ना कुछ रिटर्न ले जाए। उसके लिए आपको एक सही कॉल के लिए वेट करना है। जैसे ये जो बाय का कॉल मुझे मिला था 11:55 पे, सिग्नल का स्टार था, नीचे का रिबन रेड था, ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है ये व्हाइट का ऊपर मूवमेंट किया। अगर ये तीन पैरामीटर मैच है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहां पर ट्रेड करता हूं, देखिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। अगर अभी इस कैंडल पे 96 का या 100 का आसपास भी ट्रेड किया है तो देखिए देखते देखते 115 का हाई मार दिया है, यहां पर 130 का भी हाई मारा था, मतलब 30 पॉइंट का मूवमेंट आप यहां पर बना लिए। अब जैसे आपको इस टाइप का डॉजी कैंडल या इस टाइप का ब्लू कलर का ब्रिक्स बनते हुए दिखाई देगा
यहां पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर का मेन काम ही होता है सिग्नल प्रोवाइड करना, बट सिग्नल हर एक कॉल में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। एंट्री लेने का पहले आपको तीन चीज को देखना है। देखिए सुबह से लेकर अभी तक आप अगर परफॉर्मेंस है, मुझे एक बाय का कॉल मिला है यहां पर 96-97 का आसपास, जो सिग्नल का साथ स्टार था, नीचे करीबन ग्रीन था और ब्रिक्स आपका पेपर में था। तो यहां पर मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न देखेंगे। तो ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो आप सही वक्त के लिए वेट कीजिए, जब तक कोई कंडीशन वाला कॉल ना दिखे आपको ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। एंड एंट्री लेने का साथ साथ एग्जिट का तरफ फोकस कीजिए, अगर एंट्री एंड एग्जिट दोनों आपका परफेक्ट हुआ तब जाके अच्छा खासा रिटर्न आप बना पाएंगे। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है, इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, और अगर आप ऑप्शन बायर्स है एक्सपेक्टेशन जैसा रिजल्ट नहीं बना पा रहे तो रूल को सही से फॉलो कीजिए, रिजल्ट भी आपको मिलेगा। थैंक यू।